चिकन के लग पीस हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। अब जो बनेगा वो कायनात मसाला, कायनात गुड चिकन। मॉर्निंग ऑल। आज हमने सोचा कि कायनात का जो बड़ा फेमस मसाला है इसकी रेसिपी फॉलो की जाए। इसमें लिखा हुआ है, रेसिपी इसके अंदर है। चलो अनबॉक्सिंग। ये क्या है ये मसाला? रेसिपी कहाँ है भाई? ओके, रेसिपी यहाँ है। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस हमारा घी देख सकते हो गर्म हो चुका है। अब हमें प्याज डालना है। तो अपना प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। चिकन को घी में हल्का फ्राई करना है, मतलब इसके बाद इसमें हमें लहसुन और पेस्ट डालना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी रेडी है हमारा। जो नेक्स्ट स्टेप है, बढ़िया से अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट भी रेडी है जो हम इसमें डालेंगे एज पर रेसिपी। तो गाइस मैंने मसाला डाल चुका है, मतलब डाल दिया है। इसकी खुशबू अलग है मसालों की, देख सकते हो बढ़िया अच्छे से मसाला पक रहा है पीस के साथ, कट पीस के साथ। इस पर रेसिपी में हमें आधा लीटर पानी डालना है इसमें और उसको पकने देना है। जो अभी मैंने जो स्टार्टिंग आप देखा होगा, मैंने जो प्याज है ब्राउन किया था उसको मैंने सुखा के अब इसमें ऐड कर लिया है। बस ये फाइनल स्टेप था। अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच में पकने देंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी है। अब हमारा ये चिकन बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से जूसी लग पीस हो रखे हैं, जूसी चिकन हो रखा है एकदम। खाने में मज़ा आएगा। अब बड़ी सिंपल रेसिपी है जो हमने फॉलो की है।